हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्विक ज्ञान में। हम आप तक लेके आएंगे वो सारा ज्ञान जो आपके पास होना चाहिए आज के इस टॉपिक के बारे में, लेकिन क्विक और काफी कम समय में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट अराउंड 15,000 रुपए है, लेकिन आप काफी कंफ्यूज्ड है कि आप किस मॉडल और किस कंपनी के फोन को खरीदें, तो क्विक ज्ञान आज आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी बहुत ही आसानी से और कम समय में उपलब्ध करवाएगा, जिससे कि आपको इस वीडियो के अंत तक ये पता चल जाएगा कि आपको फोन खरीदते वक्त किन किन चीजों को ध्यान में रखना है और आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, 15,000 के ब्रैकेट के अंदर काफी सारे स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, पर उनमें से जो एक्चुअल क्लैश ऑफ टाइटंस या नेक टू नेक कंपटीशन विद रेस्पेक्ट टू सेल्स चल रही है, वो इन 5 स्मार्टफोन्स के बीच में है। तो पहला स्मार्टफोन है Xiaomi Redmi Note 7 Pro, जो कि एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और एक ड्यूड्रॉप नॉच के साथ आता है। उसके बाद है Realme 5 Pro, जो कि काफी स्लीक लुक्स और एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप और ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। नेक्स्ट इज Vivo Z1 Pro, जो कि इस ब्रैकेट का एकमात्र ऐसा फोन है जो कि एक पंच होल फ्रंट कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। अगला है Xiaomi Mi A3, जो कि एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। नेक्स्ट इज Oppo K1, जो कि एक ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप और ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। पांचों ही फोन अपने आप में यूनिक है, बोथ इन लुक्स एंड फीचर्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से इन सारे फोन्स की स्पेसिफिकेशंस को एक साथ कंपेयर कर लें, ताकि आपको आसानी से इन सब के बीच का डिफरेंस पता चल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्मार्टफोन को खरीदते वक्त इन सारे स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखना जरूरी है। इनमें से सबसे पहला है डिस्प्ले। सारे ही फोन्स ऑलमोस्ट 6.3 इंचेस डिस्प्ले के साथ आते हैं, लेकिन Vivo Z1 Pro हल्का सा बड़ा है और अराउंड 6.5 इंचेस डिस्प्ले के साथ आता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन स्क्रीन्स की पिक्सल डेंसिटी कितनी है, जो कि एक स्क्रीन की ब्राइटनेस और शार्पनेस को डिफाइन करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि Redmi Note 7 Pro और Realme 5 Pro की पिक्सल डेंसिटी इन फोन्स में से बेस्ट है, जो कि अराउंड 409 PPI है। अगला स्पेसिफिकेशन है प्रोटेक्शन, जो कि एक स्मार्टफोन की स्क्रीन के ड्रॉप प्रोटेक्शन और ड्यूरेबिलिटी को डिफाइन करता है। सारे ही स्मार्टफोन्स Gorilla Glass 5 के साथ आते हैं, लेकिन Realme 5 Pro एकमात्र ऐसा फोन है जो कि Gorilla Glass 3 Plus के साथ आता है, जो कि अब तक की सबसे लेटेस्ट Gorilla Glass टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अगला स्पेसिफिकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे ही स्मार्टफोन्स Android 9 और अपने कस्टम UI के साथ आते हैं, एक्सेप्ट Xiaomi Mi A3, जो कि एक Android 1 बेस्ड फोन है जिसमें आपको OS अपडेट्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला स्पेसिफिकेशन है प्रोसेसर, जो कि एक स्मार्टफोन का सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि Redmi Note 7 Pro Snapdragon 675 के साथ आता है, और वहीं Realme 5 Pro और Vivo Z1 Pro में Snapdragon 712 प्रोसेसर लगा है। Xiaomi Mi A3 Snapdragon 665 के साथ आता है और Oppo K1 में Snapdragon 660 लगा है। अब सवाल ये है कि इन सब में से बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है। अब ये डिसाइड करने के लिए काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, पर आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इन प्रोसेसर्स की टेक्नोलॉजी को अगर ध्यान से पढ़ें, तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी कम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर होगा, उतनी ही बेटर उसकी परफॉर्मेंस होगी, यानी कि आपका फोन उतना ही फास्ट और पावर एफिशिएंट होगा। तो इन सब स्मार्टफोन्स में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है Snapdragon 712, जो कि एक 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और ये दोनों ही Realme 5 Pro और Vivo Z1 Pro में लगा है। अगला स्पेसिफिकेशन है रैम। Vivo Z1 Pro एकमात्र ऐसा फोन है जिसमें 6GB रैम इस प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है, और बाकी सारे स्मार्टफोन्स में 4GB रैम अवेलेबल है। आप चाहें तो इन स्मार्टफोन्स के 6GB वेरिएंट भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपकी यूसेज बहुत ही नॉर्मल है और आप हार्डकोर गेमर नहीं हैं, तो आपको 4GB रैम भी एक स्मार्टफोन के लिए काफी है।
अगला स्पेसिफिकेशन है जीपीयू, विच मींस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हार्ड कोर गेमिंग करते हैं और हायर एंड गेम्स खेलते हैं, जैसे कि पबजी। इन गेम्स को स्मूथ और हायर रिजोल्यूशन पे चलाने के लिए आपके पास एक अच्छा जीपीयू होना बहुत ही जरूरी है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सारे स्मार्टफोन्स में एड्रीनो जीपीयू लगा है और उनमें से बेस्ट है एड्रीनो 616, जो कि दोनों ही रियलमी 5 प्रो और वीवो Z1 प्रो में मौजूद है। अगला स्पेसिफिकेशन है स्टोरेज। सारे स्मार्टफोन्स 64GB स्टोरेज के साथ आते हैं, लेकिन Realme 5 Pro और Vivo Z1 Pro में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड ऑप्शन अवेलेबल है। अगला स्पेसिफिकेशन है बैटरी कैपेसिटी, जो कि Vivo Z1 Pro में सबसे ज़्यादा है, जो कि अराउंड 5000 mAh की है। वैसे नॉर्मल यूसेज के लिए एक 4000 mAh की बैटरी भी सफिशेंट होती है। अगला इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है रेयर कैमरा। सारे ही स्मार्टफोन्स अपने कैमरा सेटअप में यूनिक है, लेकिन बेस्ट पिक्चर क्वालिटी Realme 5 Pro के क्वाड कैमरा सेटअप में मिलती है। इसके ऑलमोस्ट क्लोज पिक्चर क्वालिटी है Xiaomi Mi A3 की, जिसमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा है, जो कि एक 48 मेगापिक्सल का है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि पहले हम ब्लाइंडली सिर्फ मेगापिक्सल कॉन्फ़िगरेशन पर एक कैमरा की पिक्चर क्वालिटी को जज करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि हम एक कैमरा के सेंसर को भी चेक करें, जो कि आप अगले स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं। सारे स्मार्टफोन्स में सोनी सेंसर यूज़ किया गया है और इनमें से बेस्ट है सोनी IMX586, जो कि Realme 5 Pro और Xiaomi Mi A3 में लगा है। अगला स्पेसिफिकेशन है फ्रंट कैमरा, जो कि Vivo Z1 Pro में और Xiaomi Mi A3 में बेस्ट है, और ये है एक AI पावर 32 मेगापिक्सल कैमरा। दोस्तों, मैंने आपकी आसानी के लिए सारी बेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस को एक ग्रीन टैग दिया है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि किस फ़ोन में सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है और आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट सुटेड रहेगा। तो ये थी 15,000 ब्रैकेट के बेस्ट अवेलेबल स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस की कंपैरिजन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स अब क्लियर हो चुके होंगे और आप अब अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन काफ़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।